मित्रों हाल में कुछ बहुत ही अजीब अजीब किस्म के बयान तमाम लोगों से आए हैं, जिसमें एक प्रमुख व्यक्ति हैं कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष श्रीमान गांधी जी, और उन्होंने कहा कि लोकायुक्त गुजरात में नहीं है। तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, जस्टिस भुच है उस व्यक्ति का नाम जो कि गुजरात के लोकायुक्त हैं, और प्रथम रिपोर्ट जो गुजरात के लोकायुक्त की है वो विधानसभा में टेबल भी की जा चुकी है। और इससे पूर्व में अगर वो इतिहास उठाकर देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि लगातार गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार को तमाम जजेस के नाम भेजे और मुख्य न्यायाधीश गुजरात के अप्रूवल के बाद बावजूद केंद्र सरकार ने उन नामों को कभी नियुक्ति नहीं दी और नामांकित नहीं किया गुजरात के लोकायुक्त के रूप में, और लगातार मीडिया में एक झूठ फैलाते गए कि गुजरात सरकार लोकायुक्त नहीं बनाना चाहती या नहीं बना रही। बल्कि आप दस्तावेज उठाएंगे तो लगातार पाएंगे कि 2005-06 से ये नाम भेजे जा रहे थे, और गुजरात की गवर्नर श्रीमती उससे पूर्व में कमला बेनीवाल और उससे पूर्व में श्री शर्मा जी, वो लोग कहीं ना कहीं लोकायुक्त के अपॉइंटमेंट में रोड़ा अटका रहे थे। और जिन जिन लोगों को गुजरात चुनती थी लोकायुक्त बनाने के लिए, तो कभी तो उनको महाराष्ट्र भेज दिया जाता था, महाराष्ट्र ह्यूमन राइट के कमीशन का भी अध्यक्ष बनाया गया, और तमाम तरीके कभी फाइल को आगे मूव नहीं करना, 3-3 साल उस पर बैठे रहना, इस तरीके की कई हरकतें केंद्र सरकार ने की है। और झूठ बनाने की फैक्ट्री जो केंद्र सरकार के नेतृत्व में राहुल गांधी जी ने भी चलाई है, उसी का एक हवाला लोकायुक्त को लेकर है। दूसरा, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की बात कही, राजगोपालन जी वहाँ के इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं, CIC हैं, और 4 और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर उनके साथ काम करते हैं, ये सब पब्लिक नॉलेज का विषय है। उन्होंने बात की टॉफी मॉडल की, और टॉफी मॉडल को कहा कि गुजरात की सरकार ने कम दामों पर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़मीन दी, जबकि सच्चाई ये है कि कम दामों पर अगर किसी ने ज़मीन दी और उन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट को दी, उस सरकार का नाम कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार ने लगातार कम दामों पर सिर्फ ज़मीन नहीं दी बल्कि गुजरात सरकार ने 120% उससे अधिक दाम पर एक बंजर ज़मीन का हिस्सा दिया, जो कि ज्वार भाटा में पानी के नीचे आ जाता था। उस ज़मीन पर नमक से भरी हुई ज़मीन है, कोई खेती नहीं हो सकती, और उस ज़मीन को काम करने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए, एक पोत बनाने के इस्तेमाल में किया गया, और ड्रेजर्स लगा लगा कर उसको ऊपर उठाया गया ताकि वहाँ पर कोई काम हो सके। 50,000 करोड़ उस ज़मीन में ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुके हैं, तकरीबन 100 मिलियन टन कहाँ वहाँ आयात निर्यात होता है, और कई हज़ार भारतवासियों को वहाँ नौकरियाँ मिली हुई हैं। एक बंजर ज़मीन का टुकड़ा जिसने भारत के विकास में एक बेहतरीन पोत निर्माण करके भारत के विकास में योगदान दिया। अब मुझे नहीं मालूम श्री वड्रा ने ऐसा कौन सा काम किया जो कि राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी भारत की जनता को बताएं कि कितने हज़ार लोगों को नौकरी मिली, या अंग्रेज़ी में कहा जाए तो वैल्यू एडिशन उस ज़मीन पर क्या किया गया। और जो खेती लायक ज़मीनें थी, वेस्ट पीस ऑफ लैंड नहीं था, बंजर ज़मीन नहीं थी, उसको कम दामों पर बेचकर, और जो राज्य सरकारें थी उन्होंने किस तरीके से उनको डेवलप कर करके
फ्री फंड में एक व्यक्ति को 1,00,000 से 300 करोड़ बनाने का मौका दिया। ये जो सिलसिला है वो लगातार बना हुआ है और राहुल जी उस मॉडल की जानकारी हम सबको दें तो हम सबके लिए बेहतर तरीका होगा इस देश से बेरोजगारी ख़त्म करने का, कि जितने बेरोजगार हैं 1,00,000 रुपए की बैंक लोन लेकर इन्वेस्ट करें और 300 करोड़ वो कमाने लगे तो शायद देश की अर्थव्यवस्था और तमाम देश सुधर सकता है। और ये दरिया दिली का सिलसिला आम जनता के लिए लागू हो और जो आम जनता है उसमें नैतिकता की भावना से इंस्पायर होकर सरकारें काम कर सकें और नैतिकता को बरकरार रखा जा सके, इसलिए ये आवश्यक है। फारूक अब्दुल्ला जी का भी कोई बयान आया और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये वो लोग हैं जो देश के जनमानस को समझ नहीं पा रहे, जिनको ये समझ नहीं आ रहा कि आज देश की पीड़ित उपेक्षित जनता को रोजगारों की ज़रूरत है, आज देश की उपेक्षित पीड़ित जनता महंगाई से प्रताड़ित है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, उसको लगातार अपने परिवार चलाने के लिए रोजी रोटी की सुविधा चाहिए, बच्चों की पढ़ाई चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा चाहिए, और जब ये लोग इन तमाम मुद्दों पर जवाब देने लायक नहीं रहते हैं तब मामलों को भटकाने की कोशिश की जाती है और वापस सांप्रदायिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। और वो सांप्रदायिक भाषा उन लोगों के मुंह से शोभित नहीं है जो खुद सांप्रदायिक तरीके से जीवन निर्वाह करते रहे हों, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो पाएंगे कि जम्मू कश्मीर का जो संविधान है उसमें आज तक धर्मनिरपेक्ष शब्द है ही नहीं। 1976 में इस शब्द को डाला गया था भारत के संविधान में, लेकिन उस समय से लेकर अब तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार किसी ना किसी रूप में रही और कश्मीर में खास तौर पर चाहे एनसी की सरकार हो चाहे पीडीपी की सरकार हो, वो सरकार हमेशा कांग्रेस की मदद से बनी और कांग्रेस के कंट्रोल में रही। लेकिन बावजूद इन सब चीज़ों के 1976 में जब 54 एमएलए थे इनके पास 72 की असेंबली के अंदर, तब भी 1976 में इन्होंने धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर शब्द को कश्मीर के संविधान में डालना उचित नहीं समझा। 1985 में फारूक अब्दुल्ला जी का एक अग्रीमेंट हुआ राजीव गांधी जी के साथ, लेकिन बावजूद तमाम संशोधनों के, यहाँ तक कि 5 साल की जो असेंबली की समय रेखा होती है उसको बढ़ाकर 6 साल किया गया, लेकिन उस समय पर भी धर्म निरपेक्ष या सेक्युलर शब्द को जम्मू कश्मीर के संविधान में नहीं डाला गया। उसके बाद पीडीपी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनी जिसमें इन्होंने टाइम शेयरिंग की और पीडीपी के दौरान भी ये शब्द नहीं डला, लेकिन जब गुलाम नबी आज़ाद वहाँ के मुख्यमंत्री बने तो पैंथर पार्टी के एक नेता ने प्राइवेट मेंबर बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में लाया और कहा कि धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर शब्द जम्मू कश्मीर के संविधान में जुड़ना चाहिए, लेकिन उस शब्द को तब भी जम्मू कश्मीर के संविधान में नहीं जोड़ा गया। उसके बाद उमर अब्दुल्ला जी की सरकार बनी जो अभी तक चल रही है, उमर अब्दुल्ला जी की सरकार ने भी जम्मू कश्मीर के संविधान में सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष शब्द को डालना उचित नहीं समझा, बल्कि जो महिला विरोधी कानून है, जो परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट उनको चाहिए होता है, जिसके विरोध में
जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने ऑर्डर पारित किया, तो उस ऑर्डर को ख़त्म करने के लिए एक सरप्टिशियस तरीके से एक बिल लाने की कोशिश की, लेकिन अपर हाउस के जो स्पीकर थे उन्होंने हाउस को साइनेडाई एडजर्न करके किसी तरीके से उस मौके को बचाया और उस व्यक्ति को एनसी की सरकार ने अपनी पार्टी से ही बर्खास्त कर दिया। ये इतिहास है सेक्युलरिज्म का अब्दुल्ला फैमिली को लेकर। और ये जब प्रवचन देते हैं सांप्रदायिकता का, तो मेरा ख्याल अपने गिरेबान में झांके तो बेहतर होगा। और ऐसे में जिस अनुचित भाषा का प्रयोग हो रहा है, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि वो अनुचित भाषा राजनीतिज्ञों के लिए ठीक नहीं है। और जो पावर है वो लोगों को भ्रष्ट ज़रूर बनाती है, लेकिन सत्ता खोने की जो लालसा है वो लोगों का, कई लोगों का दिमागी संतुलन बिगाड़ देती है, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। इस भाषा के प्रयोग से लगातार दिखाई दे रहा है। और उसमें मेरी पर्सनल राय होगी कि फारूक अब्दुल्ला साहब किसी और के लिए ना सही, अपने परिवार के लिए कम से कम रिटायरमेंट ले लें। लेकिन व्यक्तिगत राय से अगर हटकर मैं राजनीतिक सलाह की बात करूं, तो मैं कहूंगी कि वो इसी तरीके की भाषा जारी रखें तो वो खुद मकबरा बनाएंगे अपने लिए और साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी डुबो देंगे। ममता जी के बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगी कि उनकी पार्टी के एक मेंबर हैं जिनका नाम श्रीमान डेरेक ओब्रायन है, और उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया उनसे मैं जानना चाहती हूँ कि डी गंगा के जो राइट्स हुए थे उसमें एक व्यक्ति हैं टीएमसी के मेंबर जिनका नाम है हाजी नूरुल इस्लाम, और ये वहाँ से खड़े हुए थे, लेकिन अब इनको जंगीपुर से टिकट दिया गया है। ऐसे ही नलिया खाली में अब्दुल मौला, अब्दुल सत्तार मौला का नाम आता है, जो कि कैनिंग थाना लगता है, और उनका भी नाम आने के बाद उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में मैं आपको कई और नाम गिना सकती हूँ जहाँ पर जो पूछा जाए कि बुचर शब्द का इस्तेमाल, कि संदेश खाली का बुचर कौन था, और पांचाला और हावड़ा का शैतान कौन था, आसनसोल मिदनापुर का शैतान कौन था, तापस चौधरी कौन है, हाजी नूरुल जिनका मैंने नाम पहले लिया वो किस पार्टी के हैं, और ऐसी तमाम चीज़ें जहां पर तालतोला के अंदर लोगों को अपना क्लब छोड़ना पड़ा, तस्लीमा नसरीन जैसे लोगों को कलकत्ता छोड़ना पड़ा। और जो लोग इस तरीके की स्कैम्स और तमाम चीज़ों को अभी तक इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर पाए, तो पश्चिमी बंगाल को लेकर जो अव्यवस्था है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? और इन सब बातों का जवाब अगर मुझे डेरेक ओब्रायन देंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि कसाई कौन है वो तो तमाम आप उठाकर देख सकते हैं किस तरीके से लगातार पश्चिमी बंगाल में राइट्स की स्थिति बनी रही और आज तक बनी हुई है। और इन लोगों को ये नहीं याद आता कि 2002 के बाद से लेकर आज तक गुजरात में एक भी राइट नहीं हुआ है, जबकि इस दौरान इनकी सत्ता में पश्चिम बंगाल में कई राइट्स हो चुके हैं और उन राइटर्स के खिलाफ कोई काम नहीं हुआ, उसका हवाला ये ज़रूर दें। देखिए, मैं यही कह सकती हूँ कि इस तरीके की भाषा वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोगों के जो असली मुद्दे हैं,
आज लोगों के आगे भूख और रोजगार का मुद्दा है। जो लोग लोगों की भूख नहीं कम कर पाए और लोगों को रोजगार नहीं दे पाए, लोगों के बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए, वही इस तरीके की भ्रमित राजनीति करना चाहते हैं। क्योंकि जब मुद्दों की बात होगी, जब उद्योगों की बात होगी, जब किसानों की बात होगी, जब पढ़ाई की बात होगी, जब मैल न्यूट्रिशन की बात होगी, तो ये लोग अपने आप को कहीं ना कहीं झुका हुआ पाएंगे। और जिन विषयों पर किसी भी सरकार को शर्म आनी चाहिए, ये वो विफल सरकार चलाने के लिए जिम्मेवार लोग हैं, जिनको अपनी विफलता पर कोई शर्म नहीं आती।